श्रीचैतन्यमनोभीष्टभूतले स्वयं श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगनालिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष भवानी पाश्चात्यदेशतारिणे मच्छावल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 20 पढ़ रहे थे, श्रियापतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर वियापतिर लोकपतिर धरापति गतिर पतिर गतिष्ठान्तक वृष्टि सात्वताम प्रसिद्धताम मे भगवान सताम पति। तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण श्रियापति है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया एक पैराग्राफ में कि कैसे सब लक्ष्मियों के स्तोत्र कृष्ण हैं और सब लक्ष्मियों के स्वामी कृष्ण हैं और गोलोक वृंदावन में कैसे इतने सारे लक्ष्मियां कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण श्रियापति है। तो अगला वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यज्ञपति कि कैसे सब यज्ञों के पति स्वामी और भोक्ता कृष्ण हैं। हालांकि लोग अलग अलग देवताओं का पूजा करते हैं यज्ञ करते हैं, पर हरेक जो फाइनल आहुति है अंतिम आहुति है किसी भी देवता का पूजा रहेगा कृष्ण को ही जाता है। तो इसलिए कृष्ण का नाम यज्ञपति है, यज्ञों के स्वामी। और प्रभुपाद समझाते हैं कि कलयुग में सबसे सरल यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। आगे वर्णन कर रहे हैं प्रजापति, जितने भी प्रजा हैं जितने भी जीव हैं उन सबके स्वामी कृष्ण है। अहम बीज प्रजापति भगवान गीता में बोलते हैं कि सब जो प्रजा है उन सबको बीज देने वाला मैं हूं, भगवान हम सबके पिता हैं। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना। आगे जाके वर्णन कर रहे हैं दियां पतिर, दियां का मतलब है बुद्धि। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल की बुद्धि है, अलग अलग स्तर की बुद्धि है, पर जितने भी बुद्धि है कृष्ण से ही आ रहा है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं स्वतंत्र होके बुद्धिमान हूं, नहीं, हर एक बुद्धि कृष्ण से आ रहा है। इसलिए भगवान गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं मत्तल स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं और मुझसे स्मृति याद करने की शक्ति, ज्ञानम ज्ञान और भूलने की शक्ति, अपोहनम च, तीनों मेरे से ही आ रहा है। तो यहां तक प्रभुपाद ने समझाया दियां पतिर कैसे सब बुद्धि के स्वामी कृष्ण हैं। लोक पतिर, तो जितने भी लोक हैं सर्वलोक महेश्वरम, सबके स्वामी कृष्ण हैं। एक बार अकबर बहुत घमंडी हो चुका था तो बिरबल को बोल रहा था और सबके सामने कि मैं सबसे महान हूं क्योंकि मेरा राज्य देखो कितना बड़ा है। तो बिरबल को लगा कि अकबर को थोड़ा नम्र करना चाहिए। तो बिरबल ने अकबर को बोला कि हाँ तुम सही में स्वामी हो, तुम अल्लाह से भी श्रेष्ठ हो, भगवान से भी श्रेष्ठ हो।
तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कोई मुस्लिम सुनेगा अल्लाह से भी श्रेष्ठ हो तो बहुत बड़ा अपराध बनता है। तो अकबर बोला प्रूव करके दिखाओ कि मैं अल्लाह से श्रेष्ठ हूं, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो बीरबल बोले देखो अल्लाह जो है, तुम तुम्हारे राज्य से किसी को बाहर कर सकते हो, वो कार्य तुम कर सकते हो, पर अल्लाह भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही राज्य है। अकबर का राज्य का सीमा है, पर भगवान के राज्य का कुछ सीमा नहीं है, क्योंकि सब लोगों के, तीनों लोगों के स्वामी कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है लोकपतिर। तो इसलिए हमारे पास प्रभुपाद समझाता है इसोपनिषद का ये मंत्र, कि इसोपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को अपना कोटा दिया है, राष्ट्र का, घर का, संपत्ति का, वो कोटे से व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, दूसरों के प्रॉपर्टी पे दृष्टि नहीं रखना चाहिए। ये जानते हुए कि हम सब केयर टेकर्स हैं, हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है। जैसे कोलंबस था, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, पर वो डिस्कवर करने से पहले अमेरिका था पहले से उधर, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली वो जो राष्ट्र है कृष्ण का ही है। हम थोड़े समय के लिए आते हैं और निकल जाते हैं, जैसे लोकल ट्रेन में होता है ना, दो लोग वही एक सीट के लिए झगड़ा करते हैं, पर दोनों लोग बाद में उतर जाते हैं और वो सीट वैसे ही वैसा रहता है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। वैसे ये पूरा दुनिया सब कुछ भगवान का ही प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग इज दी प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है लोकपतिर। तो आगे जाके प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी अपॉन द कंडीशन सोल्स डिसेंड्स बाय हिज ओन एनर्जी आत्ममाया टू री एस्टैब्लिश द इटर्नल रिलेशन ऑफ द कंडीशन सोल्स विद हिम। तो वही जो पूरे दुनिया के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के नाथ है जगन्नाथ, वो अपने कृपा से आत्ममाया। तो हमारा जन्म और कृष्ण के जन्म में बहुत फर्क है, हम हमारे कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, हमारा चुनाव नहीं होता माता पिता का, जगह का, पर कृष्ण चुनाव करते हैं अपने माता पिता का, समय का, जगह का, अपने स्वयं के माया से अवतार लेते हैं। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। He instructs all to surrender unto him instead of falsely claiming to be enjoyers for a certain limit under his control. तो कृष्ण गीता में बहुत दया के साथ, जैसे पिता अपने बच्चे को तड़पते हुए देखता है, कष्ट में देखता है, तो पिता को बहुत बुरा लगता है, तो वैसे ही हमारे परम पिता कृष्ण, हालांकि वैकुंठ गोलोक वृंदावन में बहुत संतुष्ट है, आत्मा राम है और अपने शुद्ध भक्तों के साथ अनंत लीला कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण का एक ज्ञान है हमारे तरफ, ये भौतिक दुनिया के जीवों के तरफ, और कृष्ण को लग रहा है नहीं मुझे भी आके इनकी मदद करनी चाहिए, इन बच्चों को भी मुझे मदद करना है। इसलिए कृष्ण अवतार लेते हैं और गीता बताते हैं, और गीता में सारांश में कृष्ण बताते हैं कि मेरे शरण आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कृष्ण बोल रहे हैं आप लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान बनने का, भोक्ता बनने का, पर आप सब लोग भोक्ता नहीं बन सकते, जितना भोग करने का प्रयास करोगे उतना कष्ट में रहोगे। When he so descends, he proves how much greater is his ability to enjoy, and he exhibits his power of enjoyment. For instance, marrying 16,000 wives at once. तो जब भगवान आते हैं, भगवान अपने अवतार से दिखाते हैं, हालांकि मैं दिखता हूं आपकी तरह, मनुष्य की तरह, पर मैं मनुष्य नहीं हूं। उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि भगवान को भोग करने की शक्ति, भगवान शादी करते हैं 16,000 पत्नियों के साथ और एक भी पत्नी डाइवोर्स फाइल नहीं करती, अरे कृष्ण तो वो पत्नी के साथ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे, नहीं, कृष्ण हर एक 16,000 पत्नियों को संतुष्ट रखते हैं। एक पत्नी को संतुष्ट रखना इतना मुश्किल है, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत महान हैं,
एक स्त्री को भी हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, पर कृष्ण 16,108 पत्नियों को बहुत सुंदर तरीके से संतुष्ट करते हैं। हर एक के लिए एक भर अपने आप को विस्तारित करते हैं 16,108 रूप में। इसलिए हम भोग करने का प्रयास कर सकते हैं, पर हम भोग कभी नहीं कर सकते। ऐसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग दिया जाता है, लेकिन हमारे पास 56 भोग सामने भी रहेगा, कितना खाएंगे हम? हमारे खाने की भी क्षमता इच्छा है खाने का, पर सामने जब प्लेट आएगा खा नहीं पाएंगे। तो हमारी इच्छा रहता है भोग करने का, पर ये भौतिक दुनिया के शरीर हैं जो हैं हमारे भोग के लिए नहीं बने हैं। तो इसलिए हमको जानना है कि कृष्ण सही भोगता है, भोगता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो वो सही भोगता है। और हमारा कर्तव्य है उनके भोग में उनको मदद करना, उनकी सेवा करना। तो कृष्ण भोगता है और हम सेवक हैं कृष्ण के। द कंडीशन सोल इज वेरी प्राउड ऑफ बिकमिंग द हस्बैंड ऑफ इवन वन वाइफ, बट द लॉर्ड लाफ्स एट दिस। द इंटेलिजेंट मैन कैन नो हु इज द रियल हस्बैंड। तो यहां पे ये पूरे श्लोक में इतना सुंदर श्लोक है, प्रार्थना है। कितने बार सुखदेव गोस्वामी पति का वर्णन कर रहे हैं, श्रिया पतिर, यज्ञ पतिर, प्रजा पतिर, दिया पतिर, लोक पतिर, धरा पतिर, तो इतने सारे वर्णन कर रहे हैं पति। तो पति का दूसरा अर्थ हस्बैंड, स्वामी। तो ये दुनिया में जो बद्ध जीव है उसको बहुत घमंड आता है अगर वो पति बन गया है एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का, तो लगता है मेरा जिंदगी सफल। पर भगवान इस पे हंसते हैं, क्योंकि ये जो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है सही पति कौन है। पति का मतलब है जो जिसकी रक्षा कर सके। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, द्रौपदी के 5-5 महान पति थे, पर ये 5ों महान पति द्रौपदी को मदद नहीं कर पाए। उस समय द्रौपदी को समझ में आया सही में पति हमारे एक ही है कृष्ण। दीन बंधु दीनानाथ मेरी धोरी तेरे हाथ, वही कृष्ण दीन बंधु दीनानाथ एक ही है कृष्ण। तो इसलिए कृष्णा इज द एक्चुअल हस्बैंड। फैक्चुअली द लॉर्ड इज द हस्बैंड ऑफ ऑल वुमेन इन हिज क्रिएशन, बट द कंडीशन सोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड फील्स प्राउड टू बी द हस्बैंड ऑफ वन और टू वाइव्स। तो सबके पति कृष्ण ही है। जितने भी स्त्रियां हैं तो लोगों को लगेगा अरे कृष्ण के 16,108 पत्नियां क्यों, अरे जितने भी स्त्रियां हैं वो सबके स्वामी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही मदद करने वाले हैं। तो इसलिए हमको घमंड नहीं होना चाहिए और कृष्ण के साथ हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे कृष्ण 16,000 पत्नियां रख रहे हैं, मैं भी एक दो रखता हूं। पर हमारा जो भोग करने का और मेंटेन पालन करने का शक्ति बहुत अलग है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां पे बार बार बता रहे हैं कि हमारे पति कृष्ण ही है। ऑल दीज क्वालिफिकेशन एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पति mentioned in this verse are meant for Lord Shri Krishna, and Shukdev Goswami has therefore especially mentioned the pati and gati of the Yadu dynasty. तो इसलिए ये सब जो गुण हैं, अलग अलग लोगों के पति, लक्ष्मी के पति, यज्ञ के पति, लोगों के पति, प्रजा के पति, बुद्धि के पति, ये सब के पति हस्बैंड जो मालिक स्वामी है वो कृष्ण ही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं कृष्ण का पति के रूप में, स्वामी के रूप में, और बता रहे हैं इसलिए हम सबका गति लक्ष्य क्या है, ऐसे कृष्ण की सेवा करना। हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है मैं किसकी सेवा करूं, कौन सही मालिक है, ये फिल्म स्टार की सेवा करूं, ये बॉलीवुड स्टार की सेवा करूं, किसको हीरो बनाऊं। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये भौतिक दुनिया के लोगों को हीरो मत बनाओ, कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्त इनको ही हीरो बना, वही सही में हीरो है। द मेंबर्स ऑफ द यदु डायनेस्टी न्यू दैट लॉर्ड कृष्णा इज एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ देम इंटेंडेड टू रिटर्न टू लॉर्ड कृष्णा आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑन द अर्थ। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं पतिर गतिष्ठांतक वृष्णि सात्वताम। तो कृष्णा जो वृष्णि और सात्वत है, जो यदुकुल के लोग हैं, उनके स्वामी भी हैं और उनके गति भी
कृष्ण ही है। तो इसलिए यदुकुल के लोगों को पता था कि कृष्ण ही ये उनके स्वामी हैं, उनके पूरे जिंदगी के सार कृष्ण हैं। पर इसलिए उन लोगों ने लक्ष्य बनाया था कि ये भौतिक दुनिया से जाने के बाद भी, ये दुनिया के लीला समाप्त होने के बाद, उनको कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का था। उनका गति भी कृष्ण थे। द यदु डायनेस्टी वॉज एनिलेटेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड बिकॉज इट्स मेंबर्स हैड टू रिटर्न होम विद द यदु डायनेस्टी वॉज एनिलेटेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड बिकॉज इट्स मेंबर्स हैड टू रिटर्न होम विद द लॉर्ड। तो प्रश्न उठेगा कि यदुकुल के लोग भगवान के इतने महान भक्त हैं, तो यदुकुल के लोगों का नाश क्यों हुआ? वो एक दूसरे से झगड़ा क्यों करते हैं और एक दूसरे का नाश क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें भी इच्छा था भगवान का, और यदुकुल के लोगों को पता था कि हमको ये दुनिया का स्वामी बनना नहीं है, हमको कृष्ण के साथ जाना है। इसीलिए जब कृष्ण चले गए उनके धाम में, यदुकुल के सदस्य भी चले गए। इसलिए भक्तों की जिंदगी में जब समस्या आता है, बाहर दृष्टिकोण से आप कभी समझ नहीं सकते परीक्षित को श्राप क्यों मिला, बाहर दृष्टिकोण से आप समझ नहीं सकते। ये सब कृष्ण का इच्छा है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों का एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान के साथ रहना है। भगवान ने लीला समाप्त किया तो भक्तों को लगता है मुझे भी भगवान के साथ जाना चाहिए। द एनिमेशन ऑफ द यदु डायनेस्टी वॉज अ मटीरियल शो created by the Supreme Lord. Otherwise, the Lord and the members of the Yadu dynasty are all eternal associates. तो यदुकुल का जो नाश है, उनके बीच में जो झगड़ा है, ये भौतिक दुनिया के लोगों के लिए एक ड्रामा है। पर शुद्ध भक्तों को पता है कि यदुकुल के लोग और जो भगवान है वो निरंतर पार्षद है, शाश्वत रूप से पार्षद है। The Lord is therefore the guide of all devotees. And as such, Shukdev Goswami offered him due respects with love-laden feelings. तो इसलिए सब भक्तों के स्वामी नाथ, सब भक्तों के पति गति, सब कुछ कृष्ण ही है। इसलिए हमारा लक्ष्य है ये जो पति है उनको प्राप्त करना, यही हमारा गति है। और उसके लिए हमको निरंतर हमारा जो मति है, हमारा जो बुद्धि है, कृष्ण के चरण कमल में लगाना है। तो इस तरह कृष्ण का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी, जो ऑलरेडी भगवान के महान भक्त हैं, इतना सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। टेक्स्ट 21। यद् अंग्रि अभिध्यायन समाधि दौत्या, यद् अग्नि अभिध्यायन समाधि दयता, दियानु पश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मना, दियानु पश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मना, वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचम्, वदन्ति चैतत् कवयति यथारुचम्, समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता, समे मुकुन्दं भगवान् प्रसीदता। ट्रांसलेशन: इट इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्णा हु गिव्स लिबरेशन by thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotees in trance can see the absolute truth. The learned mental speculators, however, think of him actually according to their films. May the Lord be pleased with me. तो बता रहे हैं कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वही मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है मुकुंद। और ऐसे कृष्ण कमल के चरण को निरंतर ध्यान करके, हरेक क्षण पे ध्यान करके, जो महान भक्त हैं हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, ऑलवेज इन ट्रांस, हमेशा समाधि में रहते हैं। बस जो लोग, जो कवि हैं, जो मुनि हैं और जो ज्ञानी हैं, ऐसे लोग अपने तर्क से कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं पर कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्ण को सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण के चरण कमल में मेरा ध्यान रहे और ऐसे कृष्ण मेरे पे प्रसन्न हो। समय मुकुंदो भगवान प्रसीदता, ऐसे कृष्ण जो मुकुंद है हमेशा मेरे पे प्रसन्न रहे। परपोट: द मिस्टिक योगीज आफ्टर अ स्ट्रेनस एफर्ट टू कंट्रोल द सेंसेस मे बी सिचुएटेड इन अ ट्रांस ऑफ योगा just to have a vision of the super soul within everyone.
But the pure devotee, simply by remembering the Lord's lotus feet at every second, at once become established in real trance, because by such realization, his mind and intelligence are completely cleansed of the diseases of material enjoyment. जो योगी हैं, जो अष्टांग योगी हैं, बहुत प्रयास के बाद अपने इंद्रियों का दमन करते हैं और बहुत प्रयास के बाद उनको परमात्मा का दर्शन होता है थोड़े क्षण के लिए. पर जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति का मार्ग पालन कर रहे हैं, वो निरंतर एट एवरी सेकेंड हरेक क्षण पे भगवान को याद करते हैं. और यही सही समाधि है. समाधि का मतलब हमेशा भगवान के संपर्क में रहना, सततम कीर्तयंतो मां. क्योंकि ऐसे भक्त निरंतर भगवान का याद करते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, और ये समाधि से उनके अंदर जितने भी भौतिक कल्पश हैं वो सब मिट जाते हैं. श्रीमता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सृजता. भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान के कृष्ण के बारे में श्रवण करने से और स्मरण करने से जितने भी अनर्थ हैं वो सब टूट जाते हैं. The pure devotee thinks himself fallen in the ocean of birth and death and incessantly prays to the Lord to lift him up. जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा नम्र रहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना, हमेशा नम्र रहते हैं और उनको लगता है कि मैं भौतिक दुनिया में फंस गया हूं. हे भगवान, मैं आपका दाम छोड़ के ये भौतिक दुनिया जो भवसागर है उसमें आके फंस गया हूं और ये भवसागर को पार करने का प्रयास कर रहा हूं. तो भक्त को पता है कि भवसागर को अपने प्रयास से प्राप्त पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत विशाल सागर है. तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे ये उठाइए, ये भवसागर से मुझे उठाइए. He only aspires to become a speck of transcendental dust at the lotus feet of the Lord. तो इसलिए शुद्ध भक्त भगवान के मुख कमल का भी दर्शन नहीं करते, वो संतुष्ट हैं भगवान के चरण कमल में. भगवान के चरण कमल में छोटे से धूलि के रूप में संतुष्ट हैं. इसलिए आप जानते हैं वो कहानी आता है महाभारत में, युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं द्वारका कृष्ण से मिलने के लिए. अर्जुन जाते हैं और कृष्ण के चरण कमल के पास खड़े हो जाते हैं, और दुर्योधन जाता है और कृष्ण के सर के पास खड़ा होता है. इसमें ही फर्क समझ में आता है भक्त का और अभक्त का. भक्त जो है हमेशा संतुष्ट हैं भगवान के चरण कमल में. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं यद अंग्री अभिध्यायन समाधि दौत्या, ऐसे भक्त हमेशा ध्यान करते हैं यद अंग्री भगवान के चरण कमलों में. द प्योर डिवोटी बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एब्सोल्यूटली लूजेस ऑल अट्रैक्शन फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट एंड टू कीप फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन He always thinks of the lotus feet of the Lord. इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि कृष्ण का नाम है आकर्षण, कृष्ण का जो शब्द है आकर्षण से आता है, तो इसलिए कृष्ण शुद्ध भक्तों को इतना आकर्षित करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का ये भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण टूट जाता है. और भगवान के प्रति आकर्षण का मेंटेन करके रखने से, मेंटेन करने के लिए और ये भौतिक दुनिया के प्रलोभन से मुक्त होने के लिए, ऐसे भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं चरण कमल का. सततम कीर्तयंतो मां, ऑलवेज रिमेम्बरिंग, नित्यम भागवत सेवया. तो इसलिए प्रभुपाद कुलशेखर महाराज का मुकुंद माला स्तोत्र से बहुत सुंदर एक प्रार्थना वर्णन कर रहे हैं. किंग कुलशेखर अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड प्रेड. तो कुलशेखर महाराज के बहुत सुंदर प्रार्थना है मुकुंद माला स्तोत्र. तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरातम अद्वैव मे विशतु मानस राज हंस प्राया प्राण परायण समये कफ मात पित्ते कथानुवर्दन विदो स्मरणम कुतस्ते. कुलशेखर महाराज का प्रार्थना है, माय डियर कृष्णा, आई प्रे दैट द स्मैल ऑफ माय माइंड may immediately sink down into the stems of your lotus feet of your lordship and be locked in their network. Krishna Twadiya Padapankaja Panjarantam Advaiva me Vishatu Manasa Rajahamsa. तो वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा एक ही प्रार्थना है
मेरा जो मन है वो आपके चरण कमल में ऐसा रम जाए, जैसे हंस होता है, हंस एक प्राणी है जो तालाब में रहता है, तो हंस का एक क्रीड़ा है, हंस जो है वो जो कमल है कमल के डंडे के अंदर घुसने का प्रयास करता है, क्योंकि कमल के साथ उसका बहुत आसक्ति है। तो कुलसेकर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं मेरा भी मन एक हंस की तरह बन जाए और आपके चरण कमल में रम जाए। क्यों? प्राण परायण समये कफवात पित्ते कंता वरतुनो विदो स्मरण कुतस्ते, क्योंकि अदरवाइज एट द टाइम ऑफ माई फाइनल ब्रेथ व्हेन माई थ्रोट इज स्ट्रोक्ड अप विद कफ हाउ विल इट बी पॉसिबल टू थिंक ऑफ यू, क्योंकि जब मेरा अंतिम समय आएगा प्राण प्रयाण समय, जब अंतिम समय आएगा मेरे कंठ में कफ बढ़ जाएगा। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको बोलने को नहीं होता, कफ बढ़ जाता है। तो कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं उस समय मैं आपको कैसे याद करूं, तो इसलिए जब मेरे पास शक्ति है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है उसी समय मेरा इच्छा है हमेशा मेरा मन आपके चरण कमल में लगा रहे। तो वही भावना के साथ सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं हे कृष्ण मेरा भी मन हमेशा आपके चरण कमल में लगा रहे। देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्वैन एंड द लोटस स्टेम। तो हंस और कमल के डंडे के बीच में बहुत एक गहरा संबंध है, क्योंकि हंस हमेशा कमल के डंडे के पास ही रहता है, उसका आसक्ति बना रहता है। सो द कंपैरिजन इज वेरी अप्रोप्रिएट, विदाउट बिकमिंग अ स्वैन और परमहंस वन कैन नॉट एंटर इनटू द नेटवर्क ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए यह तुलना बहुत सही है कुलशेखर महाराज का, क्योंकि भगवान के परमहंस भक्त बने बिना कोई भी भगवान के चरण कमल के साथ आसक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ भगवान के जो भक्त हैं भगवान के चरण कमल के साथ आसक्त रहते हैं, जो ज्ञानी हैं कर्मी हैं उनको आसक्ति नहीं है चरण कमल की ओर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं मैं निरंतर आपका भक्ति ही करता रहूं। As stated in Brahma Samhita, the mental speculators, even by dint of learned scholarship, cannot even dream of the absolute truth by speculating over it for eternity. इसे ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, बोलते हैं कि जो ज्ञानी है जो आप तर्क विचार करते हैं वो अनगिनत सालों तक भी तर्क विचार करेंगे तो भगवान के बारे में सपने में भी जान नहीं सकते, संभव नहीं है। द लॉर्ड रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू सच मेंटल स्पेकुलेटर्स, क्योंकि भगवान अपने आप को ऐसे ज्ञानी को अपना दर्शन नहीं दिखाते। एंड बिकॉज दे कैन नॉट एंटर इन टू द नेटवर्क ऑफ द स्टेम ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ऑल मेंटल स्पेकुलेटर्स डिफर इन कंक्लूजन एंड एट द एंड दे मेक अ यूजलेस कॉम्प्रोमाइज बाय सेइंग एज मेनी कंक्लूजन्स एज मेनी वेज अकॉर्डिंग टू वन्स ओन इंक्लिनेशन यथारुचम। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं जितना भी प्रयास करें भगवान के चरण कमल उनको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए अलग अलग ज्ञानी हैं, अलग अलग लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं और लोगों को लगता है यथामत ततोपद कि जितने मत हैं उतने मार्ग हैं, अल्टीमेटली हर एक मार्ग कृष्ण में ही आएगा, ऐसा उनका कंक्लूजन रहता है। पर ये सही नहीं है, ये गीता भागवत का सिद्धांत नहीं है। गीता भागवत का सिद्धांत है कि भगवान की प्राप्ति करना है तो भक्ति का मार्ग ही है। But the Lord is not like a shopkeeper trying to please all sorts of customers in the mental speculator exchange. पर भगवान बिजनेसमैन नहीं है, शॉपकीपर नहीं है, भगवान ने धंधा खोल के नहीं रखा है तुम आके कुछ भी दाम दो मैं तुमको वही पदार्थ दूंगा, नहीं। तो भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही मार्ग है, एक ही करेंसी है, वो है भक्ति। The Lord is what he is, the absolute personality of Godhead, and he demands absolute surrender unto him only. तो भगवान परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवान डिमांड करते हैं, क्या डिमांड है भगवान का,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बाकी धर्मों को छोड़ो और सिर्फ मेरे आश्रय आ जाओ। तो ये भगवान का डिमांड है। जैसे किसी के पास 100 रुपए है तो जितना 100 रुपए से जो चीज मिलेगा उतना ही मिलेगा, वो डायमंड नहीं खरीद सकता 100 रुपए से। डायमंड खरीदना है तो लाखों रुपया देने पड़ेंगे। तो वैसे ही किसी के पास ज्ञान है, कर्म है, ब्रह्मन की प्राप्ति हो सकता है, पर भगवान का चरण कमल चाहिए तो एक ही कीमत है भक्ति। और भक्ति का मार्ग मतलब बाकी धर्मों को छोड़ो और पूरी तरह से कृष्ण का आश्रय ले लो। तो इसका आगे का तात्पर्य कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।